दरअसल आपको बता दें, एनसीपी चीफ शरद पवार ने यह दावा किया है कि देश के कई हिस्सों में बीजेपी की राजनीतिक ताकत सिकुड़ रही है। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए शरद पवार ने यह भी कहा है कि जो नेता और दल बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, जनता उनको समर्थन नहीं दे रही है। शरद पवार ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा, हम उन लोगों के साथ नहीं है जो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। आप अगर देश का नक्शा निकालेंगे तो देखेंगे कि बीजेपी दक्षिण भारत में एक भी राज्य में सत्ता में नहीं है। शरद पवार ने यह दावा ऐसे वक्त में किया है जब उनकी खुद की पार्टी दो हिस्सों में बट गई है और उनसे अलग धड़ा बनाने वाले उनके भतीजे और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दावा किया है कि उनके पास एनसीपी के अधिकांश विधायकों का समर्थन है। अजीत पवार ने शरद पवार द्वारा गठित एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी दावा किया है। वहीं आपको बता दें कि शरद पवार ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवसेना को बांटकर सत्ता में आई है। शरद पवार ने दावा किया कि इसी तरह का फार्मूला गोवा और मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया। मध्य प्रदेश मार्च 2020 तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में शामिल हो जाने पर कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी केवल गुजरात में सत्ता में आई थी, जिसे वह आगे बरकरार रखने में कामयाब रही। पवार ने कहा कि बीजेपी राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सरकार में नहीं है। उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को छोड़कर बीजेपी की राजनीतिक ताकत देश के अन्य सभी हिस्सों में सिकुड़ती जा रही है।